क्लासिक्स आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का। टू जियोग्राफी में ग्लोब लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं के बारे में इम्पोर्टेंट्स वर्ड इसमें जो आए हैं जैसे ग्लोब इट इज़ ए थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ मतलब कि ग्लोब में थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ मतलब हमारी धरती पर कितनी तीन प्रकार की डायमेंशनल मॉडल्स है। फिर दिया है जियोइड, जियोइड का मतलब होता है इट मींस अर्थ लाइक शेप्स मतलब हमारी जो पृथ्वी का जो शेप्स यानी आकार है वो क्या है उसको क्या बोलते हैं जियोइड बोलते हैं। फिर बोलेंगे हम एक्सिस, एक्सिस क्या होती है मतलब पृथ्वी पर खींची हुई एक काल्पनिक रेखाएं होती है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन्स पासिंग थ्रू द अर्थ इट इज इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 6/1/2 degree। ये रेखाएं काल्पनिक है, पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं खींची नहीं है। पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति दर्शाने के लिए पृथ्वी पर क्या ग्लोब पर क्या किए जाती है इसी मानचित्र पर एक रेखाएं खींची जाती है। मतलब कौन सी रेखाएं खींची जाती है, कुछ रेखाएं खड़ी होती है और कुछ रेखाएं आड़ी होती है जो एक दूसरे को काटती भी है और इसे ग्लोब पर क्यों जाते एक जाल सा बनाती है जिसे आप ये चित्र में देख सकते हो। यहाँ पर ये जो इक्वेटर कहलाती है जो 0 degree कहलाता है इसके ऊपर जो रेखाएं खींची हुई है ये कौन सी रेखाएं कहलाती है, लेटिट्यूड रेखाएं कहला जाएगी, उसके नीचे वाली रेखाएं कहला जाएगी लॉन्गिट्यूड। ये जो रेखाएं हैं इसी को हम क्या बोलते हैं एक्सिस रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। इसी प्रकार से पृथ्वी में इस प्रकार कोई रेखाएं खींची नहीं गई है मगर स्थान की जानकारी की मदद के लिए हमें इस रेखाएँ की आवश्यकता होती है यानी किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को हम उनको आसानी से इस रेखाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं। फिर दिया है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एक बिंदु ग्लोब के ठीक ऊपर की ओर पर होता है जिसे हम उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरा एकदम उस नीचे की ओर होता है जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब देख पा रहे हो इसका जो ऊपर वाला जो सिरा है वो क्या कहलाएगा हमारा नॉर्थ पोल कहलाएगा और जस्ट इसी के जो नीचे वाला सिरा है वो कहलाता हमारा साउथ पोल। और इन दोनों ध्रुवों के बीचों बीच एक वृत्त खींचा हुआ दिखाई देता है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ये वाला जो देख रहे हो आप बीचों बीचों ये 0 degree का कहलाता है, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर। क्या बोलते हैं वाली लाइन को इक्वेटर। फिर दिया है 5वें नंबर में इक्वेटर जो अभी हमने पढ़े, इट इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग वेस्ट टू ईस्ट एंड डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स कोल्ड द नॉर्थर्न हेमीसेफर एंड द साउथर्न हेमीसेफर मतलब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है वह रेखा क्या कहलाती है हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। एक उत्तरी गोलार्ध को बांट देता है और नीचे वाला क्या कहलाता है दक्षिण गोलार्ध यानी नॉर्थ और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ। लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं, तो क्या होती हैं देशांतर रेखाएं, द लाइन्स ड्रॉ बिटवीन द टू पोल्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड पैरेलल्स टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड, दे आर ऑल्सो कोल्ड पैरेलल्स बिकॉज लेटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर मतलब किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश वृत्तों के अलावा कुछ खड़ी रेखाएं को भी सहारा लेना पड़ता है। ये रेखाएं ग्लोब या
मानचित्र पर उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। उत्तर से दक्षिण खींची हुई रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवृत्त में होती है, जबकि मानचित्र में उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है। जैसे कि आप ये ग्लोब में देख पा रहे हो, ये वाली जो रेखाएं आप देख रहे हो यहाँ से जो खींची हुई रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखा कहलाती है? लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं ये, इसको हम हिंदी में बोलेंगे देशांतर रेखाएं। यह अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा की तरह ही देशांतर रेखाओं में भी एक रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना जाता है। और यह इंग्लैंड में लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसे ही जीरो यानी प्रधान मध्यान रेखा कहते हैं। अन्य देशांतर रेखाएं प्रधान मध्यान रेखा के पूर्व और पश्चिम से खींची गई है। मध्यान रेखा पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। प्रधान मध्यान रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई 180 देशांतर रेखाएं हैं। किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की देशांतर रेखाओं के साथ क्रमशः पूर्व और पश्चिम शब्द लिखा जाता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ईस्ट और वेस्ट यहाँ लिखा गया। ईस्ट यानी पूर्वी तथा वेस्ट यानी पश्चिमी। इसके बाद देखेंगे हम लेटिट्यूड, जिसका मतलब होगा द लाइन्स ड्रॉ बिटवीन द टू पोल्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन द पैरेलल टू द इक्वेटर आर कोल्ड लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड। दे आर ऑल्सो कोल्ड पैरेलल्स बिकॉज लेटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो, अब इसमें कौन सी है? आड़ी वाली जो लाइनें दिख रही है हमको, ये क्या कहलाती है? लेटिट्यूड्स लाइंस कहलाती है, मतलब भूमध्य अक्षांश रेखा है ये। ये भूमध्य रेखा के समांतर खींचे हुए दो हुई हुई वृत्तों या आड़ी रेखाओं को अक्षांश वृत्त अथवा अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु से प्रत्येक अक्षांश पर एक एक वृत्त खींचे गए हैं वह उनके सामने उत्तर व दक्षिण लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये नॉर्थ और साउथ लिखा है यानी उत्तर और दक्षिण। भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु से प्रत्येक अंश एक एक वृत्त खींचे गए हैं, इसका अर्थ उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश होता है। इस तरह बात दिया है ग्रेटिकल द नेटवर्क ऑफ पैरेलल लाइंस एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड ग्रेटिकल्स इट हेल्प इन फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ प्लेस। फिर दिया है टोराइड जोन, दिस रीजन लाइंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू आउट द ईयर बिकॉज टू सन रेज फुल वर्टिकली ऑन द रीजन। मतलब ये इक्वेटर लाइंस के जो ऊपर वाला जो हिस्सा के कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड, और नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है ये इसके नीचे इक्वेटर के जो नीचे वाला हिस्सा इतने वाला कहलाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर दिया है टेम्परेचर जोन, दे लाइन बूथ द हेमिस्फेयर इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इट लाइंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल। इसके बाद दिया है फ्रीज जोन, मतलब फ्रीज मतलब जो बहुत ठंडा हो, द वर्ल्ड फ्रीज मीन्स वेरी कोल्ड, जो बहुत ही ठंडा हो, इन द नॉर्थ जैसे कि उत्तर। द फ्रीज जोन लाइन बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर इट लाइज बिटवीन टू एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। द क्लाइमेट हेयर इज वेरी कोल्ड ड्यू टू एक्सट्रीम स्लेंट ऑफ सनशाइन मेरिडियन।
तो प्राइम मेरिडियन का मतलब हो जाएगा इट इज़ जीरो लॉन्गिट्यूड एंड डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स, मतलब पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांटने को जो लाइन बांटती है उसे हम क्या कहलाते हैं, कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको पृथ्वी की जो बीचों बीच से होकर जो लाइन गुजरती है जो पृथ्वी को हमें दो भागों में बांटती है, मतलब एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। फिर दिया है रोटेशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट्स कॉल्ड रोटेशन। जो पृथ्वी जो घूमती है हमारी वो कौन से रोटेशन में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। समय लगता है उसे 24 घंटे में वो अपनी अक्ष पे एक चक्कर लगा लेती है। फिर दिया है लोकल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसके बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में।